अयोध्या नगरी जो कई सालों से अपने भगवान राम के आने का इंतज़ार कर रही थी, अब वो कुछ ही दिनों में ख़त्म होने वाला है। 22 जनवरी 2024 को रामलला अपने मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। इसके बाद हर कोई उनके दर्शन कर पाएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे राम मंदिर को लेके कुछ अनोखे तथ्य। मंदिर को काफ़ी दूर दृष्टि के हिसाब से बनाया गया है। मंदिर से कुछ दूरी पर ज़मीन में टाइम कैप्सूल लगाया जाएगा, जिससे कि अगर सालों बाद मंदिर के बारे में कुछ जानकारी लेना हो तो भी ली जा सकती है। मंदिर को उन ईंटों से बनाया जाएगा जिनके ऊपर श्री राम अंकित होगा। इन ईंटों के उपयोग के बीच इनमें से कुछ 30 वर्ष से अधिक समय से उपयोग में नहीं आ रही है। इन पुरानी ईंटों का एक और नाम है जिसे रामशिला कहा जाता है। मंदिर का निर्माण प्राचीन पद्धति से किया जाएगा, इसलिए मंदिर में कहीं भी स्टील या लोहे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। कर्नाटक की अंजनी नामक पहाड़ी जहाँ पर भगवान हनुमान का जन्म स्थान बताया गया है, वहाँ से पत्थर लाकर मंदिर निर्माण में सहयोग किया जाएगा। 2500 से अधिक स्थानों से मिट्टी एकत्रित करके मंदिर में लाई जाएगी। भारत से लोग मंदिर निर्माण में सहयोग करेंगे और पूरे भारत से सोने और चांदी की ईंटें मंदिर निर्माण के लिए लाई जाएगी। पूरे मंदिर को वास्तुशास्त्र को ध्यान रखते हुए बनाया गया है। भगवान राम के अलावा भी कई देवी देवताओं की मूर्तियां मंदिर में स्थापित की जाएगी। एक बार में 10,000 से अधिक लोग रामलला के दर्शन कर पाएंगे। राम मंदिर को 2 मंजिला बनाया जाएगा, जिसकी ऊंचाई 128 फीट, लंबाई 268 फीट, चौड़ाई 140 फीट है। मंदिर के भूतल पर आसपास के डिजाइन में भगवान राम की कहानी, उनके जन्म और उनके बचपन को दर्शाया जाएगा। भूकंप के लिहाज से उत्तर प्रदेश संवेदनशील जोन 4 में आता है, मगर अयोध्या समेत अवध व यह हिस्सा जोन 3 में है। बाकी हिस्से की अपेक्षा में खतरा यहाँ कुछ कम है, इसलिए राम मंदिर को रिएक्टर स्केल मापन 8 से 10 तक का भूकंप सहने लायक बनाया जाएगा। अयोध्या राम मंदिर के निर्माण के बारे में सबसे दिलचस्प तथ्यों में से एक नींव का लेआउट है, जिसे 2586 क्षेत्रों से आई पवित्र मिट्टी का उपयोग करके बनाया गया है। उदाहरण के लिए झांसी, बिठूरी, यमुनोत्री, हल्दीघाटी, चित्तौड़गढ़, शिवाजी का किला, स्वर्ण मंदिर और कई अन्य पवित्र स्थान इनकी नींव में योगदान करते हैं। राम मंदिर अपनी डिजाइन संचालन के अनुसार भारत का सबसे बड़ा मंदिर होने जा रहा है। मंदिर को डिजाइन करने वाला सोमपुरा परिवार ने यह भी चर्चा की थी कि यह डिजाइन 30 साल पहले चंद्रकांत सोमपुरा के बेटे आशीष सोमपुरा ने बनाया था। परिवार के अनुसार 28,000 वर्ग फुट क्षेत्र के साथ मंदिर की ऊंचाई लगभग 161 फीट तक पहुंचती है। राम मंदिर के पहली मंजिल पर डिजाइन संरचना भगवान राम के दरबार को चरित्र करेगी। मंदिर की सबसे अनोखी विशेषताओं में से एक है निर्माण में बसी पाड़पुर गुलाबी बलुआ पत्थर का उपयोग, जिसे राजस्थान के भरतपुर से एकत्र किया गया था। साथ ही रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 360 खंभे विशेष रूप से नगर शैली के डिजाइन के साथ बनाए जाएंगे। इस बीच 57 एकड़ भूमि एक मंदिर परिसर शामिल होगा और 10 एकड़ भूमि मंदिर निर्माण के लिए होगी। शेष क्षेत्र में राम मंदिर के आसपास के 4 छोटे मंदिर होंगे। भगवान राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या पवित्र सतपुरियों में से एक है। अयोध्या के अलावा मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारका पवित्र सतपुरियों में शामिल है। राम मंदिर ने अयोध्या में एक महत्वपूर्ण छाप छोड़ी है, एक ऐसी जगह जो अब उन लोगों पर एक महत्वपूर्ण छाप छोड़ेगी जो पहले इसके बारे में नहीं जानते थे। सूत्रों के मुताबिक पूरे शहर का कायापलट किया जाएगा। नए विकास और अन्य परियोजनाओं से शुरुआत करते हुए पीएम मोदी 500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं को लाने में पूरी तरह तैयार है। दोस्तों, ये थे राम मंदिर से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद।